हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम फिर से न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं भाई, ठीक है। और न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास में, टू इंसुलेटिंग वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ आर लाइन म्यूचुअली एट राइट एंगल टू ईच अदर एज इन डायग्राम, करंट ऑफ 2 एम्पीयर एंड 1.5 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली, फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी। देखो हमारे पास डायग्राम गिवन है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें इस तरफ, इसमें इस तरफ, तो इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, उसके बाद हम देखेंगे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में अगर जनरेट होता है तो प्लस कर देंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस। क्या कर देंगे भाई, माइनस, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं भाई, देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया भाई इस वायर की वजह से B1, या मान लिया B1, और B1 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई R1, B2 हमारे पास कितना होगा, म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई R2। वैल्यू पुट करो एक बार भाई, देखो आपको I1 की वैल्यू पता है और इससे डिस्टेंस भी आपको पता है 4 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, ठीक है। और ये म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई जो था, ये बन जाएगा हमारे पास 10 रेज टू पावर -7 और 2i 1 अपॉन में r1। सिमिलरली हमारे पास बनेगा 10 रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई 2 ऑफ i2 अपॉन में r2। क्लियर याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखो ध्यान से, आपके पास I1 गिवन कितना था, 2 एम्पीयर, वैल्यू पुट कर दो 10 रे टू पावर -7 मल्टीप्लाई 2 इनटू 2 डिवाइड बाय डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इनटू 10 रे टू पावर -2। और इसकी अगर बात करें 10 रे टू पावर -7 इनटू 2 इनटू, जबकि I2 हमारे पास कितना है 1.5 डिवाइड बाय डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 3 इनटू 10 रे टू पावर -2, ठीक हो गया भाई, कोई डाउट नहीं है। अब बात सुनो ध्यान से भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, करंट इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इस पॉइंट पे क्या होगा, वर्टिकली इनवर्ड। और यहां बात करें करंट इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्या होगा, वर्टिकली इनवर्ड। तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है विदाउट एक्टिंग एट एनी एंगल, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम B1 प्लस B2। ये हमारे पास क्या गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब टोटल जो वैल्यू बनेगी हमारे पास, प्लस कर दो भाई कॉमन टर्म। देखो पहले क्या आएगा, 10 रे टू पावर -7 कॉमन है, अगेन 2 भी कॉमन है हमारे पास में, नीचे हमारे पास 10 रे टू पावर -2 भी कॉमन है, ठीक है। और हमारे पास वहां बचेगा 2 डिवाइड बाय 4, यहां बचेगा 1.5 डिवाइड बाय 3, जो कि हमारे पास कितना बनेगा 1/2, ये भी कितना बनेगा 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना बनेगा 1 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या लिख सकते हैं भाई, 10 रेज टू पावर -7 इनटू 2 इनटू 10 रेज टू पावर, ऊपर जाएगा बन जाएगा 2, जिसको लिख देंगे 2 इनटू 10 रेज टू पावर -5 टेस्ला इज आवर आंसर, सही है भाई। देखो पहले हमने क्या किया, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला इस पॉइंट पे जो कि इनवर्ड है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला वो भी क्या है, वर्टिकली इनवर्ड है। दोनों के ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई किया, म्यू नॉट 2i अपॉन में 4 पाई r, म्यू नॉट 2i अपॉन में 4 पाई r, सही है। तो i1 आपको पता था, r1 आपको पता था, i2 आपको पता था, r2 आपको पता था, i1 i2 r1 r2 को बता दे, दोनों की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की निकल गई। अब डायरेक्शन दोनों की सेम बन रही थी तो हमने क्या कर दिया, उनको प्लस कर दिया, क्लियर है। किसी एंगल पे एक्ट कर रहे होते तो फार्मूला बन जाता वो b1² + b2² + 2bv2 cos θ√। अब यहाँ कोई एंगल ही कंसेप्ट नहीं बन रहा है, सिंपल डायरेक्शन दोनों ही क्या है, इनवर्ड है, और इनवर्ड अगर है तो क्या कर देंगे हम, डायरेक्टली प्लस कर देंगे, क्लियर है, ओके, थैंक यू।